सो फ्रेंड्स, अभी अपन लोग निकलने वाले हैं। मैं फुली रेडी हूँ यार, ये मेरा बैग है। और खन्नू जो है तो अपनी गाड़ी अंदर डाल रहा है, दाऊ अपनी गाड़ी अंदर डाल दिया है, मेरी गाड़ी बाहर है, मेरी गाड़ी में छोड़ेंगे लोग। तो सो यार, अभी अपन निकलते हैं। हेलमेट तैयार है, इसमें सेटअप भी तैयार है यार। तो फट से मोबाइल को फंसाना है गाइस और निकलना है। बस मेरे केस भी करना है टोपी, और बस अपन लोग निकल लिए भाई लोग। तो चले यार फ्रेंड्स, अभी अपन लोग निकलने वाले हैं। और ये अभी अपन लोग निकल गए। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी अपन लोग निकल चुके हैं और अब चलते हैं, देखते हैं कहानी में क्या होता है नाइट ड्राइव के लिए। अब अपन लोग वन छोड़ के भाई, अभी तो अपन सोलो के लिए निकलते थे, लेकिन आज तीन लोग बैठे हैं गाड़ी में। मैं, खन्नू और क्या बोलते हैं दाऊ भी है भाई लोग। ये लोग मेरे को बिजली तक ड्रॉप करके आएंगे। मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा टूर के लिए निकला हूँ, तो वहाँ तक ये लोग मेरे को ड्रॉप करेंगे, वहाँ से फिर ये लोग आ जाएंगे। और फाइनली अभी अपन लोग लेट हो चुके हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुए, वैसे नॉर्मल चलेगा। तो अभी रास्ता भी ख़राब है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी यार। अभी रास्ते को थोड़ा सा नाप लेते हैं। तो सामने से अपन दो भाई लोग जा रहे हैं, वो लोग। सो फाइनली गाइस, अभी अपन लोग लगभग 10 किलोमीटर आ गए हैं, और देखते हैं आज की राइडिंग में क्या होने वाला है यार। कहीं नहीं जा रहा दाऊ। हाँ तो कहाँ से? अरे वहां कसम, मेन चीज वो झोला को तो रखा ही नहीं यार, लगता है ना। एक तो झोला रहा। सो यार फाइनली गाइस, बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो गया अपने साथ। हुआ ये था कि यार मेरे को जो सामान लेके जाना था यार, मेन सामान का पैकेट ना मैं घर में ही भूल गया था, मतलब झोला ना अपना घर में ही भूल गया था यार। जल्दी जल्दी मैंने बैग पकड़ा और निकल लिया था। तो इस चक्कर में यार मेरे को वहां से फिर से रिटर्न जाना पड़ा, ताकि इतना जल्दी था मेरे को। खन्नू भी गुस्सा आ रहा था और दाऊ भी गुस्सा आ रहा था यार। तो मेरे को हेलमेट मोबाइल नहीं दिए कि तू ब्लॉगिंग के चक्कर में फिर लेट करवाएगा बोल के, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि मैं 10 किलोमीटर रिटर्न होके गया था यार, खटाखट गया हूँ, ताला तोड़ा हूँ। ताला तोड़ने में इतनी समस्या आई है ना भाई, मैं ही जानता हूँ यार। हुआ ये कि दाऊ किया ताला ला कर चाबी अपने पास रख लिया, और मैं उससे लेना भूल गया वहाँ पे, जहाँ उन लोग को मैं अभी ड्रॉप करके गया था भाई लोग, वहाँ पे मैं दाऊ से चाबी लेना ही भूल गया यार। और मेरे को फाइनली दोस्तों का ताला तोड़ना पड़ा, और फाइनली बगल के रूम वाले रोहित से मैंने ताला लेकर रूम में लगा के आया हूँ। और अभी चलो फटाफट हो गया, अब देखते हैं। फाइनली मेरे को ताला वाला तोड़ने के चक्कर में 1.5 से 2 घंटे का लेट हो गया यार। और फाइनली गाइस, अभी अपन लोग देखो क्या होता है। सो यार, अभी अपन लोग बिजली पहुंच चुके हैं, और देखते हैं अभी ट्रेन तो अभी काफी लेट है, पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल लोकल कहीं मिल नहीं रहा है, पेट्रोल टंकी बंद हो गया। एक पेट्रोल टंकी और है भाई, उसको चल के देख लेते हैं कहानी में क्या होता है। लोकल नहीं मिलेगा, लोकल इधर कहीं मिलता है? मिलता है। ठीक किया दाऊ, तुम्हारे जैसा आदमी अपने साथ होना बहुत जरूरी है। आधा लीटर दे दीजिए। हाँ यार आराम से, अभी तेल है, बत्ती। रुको भैया, थोड़ा सा समय लगता है, रुको लेकिन चाबी गिरती है। हाँ तो तुम्हारा क्या काम है? चाबी दे दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ, चलो ना वहाँ पास देखता हूँ। पैसा दिए
अरे हाँ यार बदली माँ कसम चल देते अभी तो कनक तो फायर हो जाता है। आप भी भूल गए हम भी भूल गए, कोई बात नहीं लेकिन कुछ लोग हम लोग वहाँ से याद आया यार पैसा दिए। सिगरेट उगरेट लेना है यार तुमको तो यहाँ से फिर खन्नू लोग मेरे को छोड़ के और चले जाते हैं यार। तो यहाँ से फिर मैं अकेले सरवाइव करता हुआ ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा भाई, क्योंकि यार यहाँ से पास में ही है। तो सो यार तुम लोग लोगे कुछ।